औरंगाबाद के हिंदू महाविद्यालय के पुस्तकालय सभागार में आज राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ उत्तर प्रदेश जनपद की तरफ से एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। आयोजन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत इंडिया से भारत की ओर विषय पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में प्रमुख उद्बोधन महेश कुमार प्रभारी उच्च शिक्षा वर्ग अखिल भारतीय शिक्षक महासंघ द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्षता प्रोफेसर एसएस रावत प्राचार्य हिंदू महाविद्यालय मुरादाबाद ने किया। इस दौरान महेंद्र कुमार ने भारत के प्राचीन इतिहास की विवेचना करते हुए अपना संस्कृति विरासत पर गर्व करने का आह्वान किया और मातृभाषा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए अपने देश पर केंद्रित शिक्षा को अनिवार्य बताया। कार्यक्रम में प्रोफेसर अनिल कुमार प्राचार्य गांधी स्मारक महाविद्यालय सूर्यनगर, डीपीएस रावत, हरिओम शर्मा व गजेंद्र पाल सिंह सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बड़े-बड़े अर्थशास्त्रियों सर क्या प्रोग्राम है आज? आज राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश की जनपद मुरादाबाद यूनिट द्वारा एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, जिसका विषय इंडिया से भारत की ओर नई शिक्षा नीति 2020 की भूमिका है। इसमें राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के अखिल भारतीय प्रभारी श्री महेंद्र कुमार जी मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री जोगेंद्रपाल सिंह, प्राथमिक के संयुक्त मंत्री श्री हरिओम शर्मा जी, माध्यमिक के प्रदेश संगठन मंत्री श्री सुरेंद्र प्रकाश भटनागर जी तथा हिंदू महाविद्यालय के अनेक प्राध्यापक, केजीके कॉलेज महाविद्यालय के अनेक प्राध्यापक तथा अन्य मुरादाबाद जनपद के महाविद्यालय के प्राध्यापक भी उपस्थित हैं। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का हमारे देश के लिए क्या योगदान हो सकता है, उस पर परिचर्चा की जा रही है। अनेक वक्ताओं द्वारा अपने विचार प्रस्तुत किए गए हैं और इसमें हमें क्या समस्या, इसके अनुपालन में हमें क्या समस्या हो सकती है, उस पर भी विचार किया जा रहा है तथा राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के माध्यम से इसको उत्तर प्रदेश सरकार से को भी अवगत कराया जाएगा। धन्यवाद। दीपावली के उपलक्ष्य में क्या संदेश रहेगा आपको? दीपावली के अवसर पर यही संदेश है कि हम सब लोग सुरक्षित तरीके से रहते हुए दिवाली प्रेम पूर्वक सौहार्द के साथ मनाएं, जिससे सारे मुरादाबाद में नहीं पूरे देश में प्रगति का, शांति का वातावरण निर्मित हो और भारतवर्ष निरंतर विकास हो। सर ये जो प्रदूषण वाले पटाखे होते हैं, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? प्रदूषण वाले पटाखों के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि दिवाली जो है हम मनाएं, खुशियों के साथ मनाएं और पटाखों का इस्तेमाल अपने समुचित तरीके से करें, जिससे कि वातावरण को कम प्रदूषण हो, प्रदूषण को नियमित करना का, रेगुलेट करना हम सब लोग का दायित्व है उसमें।